हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर, रोथर जेलिस इज माय नेम। सो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का एग्जाम हो चुका है पोस्टपोन जेईई मेंस, और इसी को देखते हुए अब यहाँ पर मेडिकल जो स्टूडेंट है हमारे, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी भी डिमांड आ चुकी है। बट काफ़ी हल्ला गुल्ला शोर शराबा मच रहा है, राइट। हर जगह पर आप ट्विटर देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, इनका भी जो कहना है वो लाजमी है। कहीं ना कहीं इनका भी वही मानना है कि जेईई मेन के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, CBSE का कहीं ना कहीं एग्जाम अभी होने वाले हैं, तो सर हमें टाइम जो है ना कम मिल रहा है, और ये लाइफ का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और इसी के बेस पर हमारा एक लाइफ और एक करियर बनेगा। सो जिस तरीके से नीट को कहीं ना कहीं जेईई को पोस्टपोन किया गया, उसी तरीके से नीट को भी पोस्टपोन किया जाए, ये बच्चों की डिमांड है। लेकिन अब सवाल यहां पर ये आता है, क्या नीट भी पोस्टपोन होगा और होगा नहीं होगा? देखो यार, पोस्टपोन होने से बहुत सारे बच्चे जो कई जगह पर रह के तैयारी कर रहे हैं, कोई कोटा में तैयारी कर रहा है, कोई अलग अलग सिटीज में रह के पढ़ रहा है, पोस्टपोन होने का मतलब फायदे हैं तो नुकसान भी है। उनका डायरेक्टली एक्सपेंसेस बढ़ना, राइट, और 2-3 मंथ वहां पर रुकना, सो बहुत सारे ड्रॉबैक भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, और कहीं ना कहीं ये उन तमाम निगाहें तक तक ही लगाकर देख रही होती है ऐसी न्यूज को। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, कुछ फैक्ट और फिगर के बारे में बात करेंगे, ताकि हम समझ सके कि ये वाकई में पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। सो जैसे कि यहां पर बताया गया है, नीट जो होने वाला था जुलाई में होने वाला था, 17 जुलाई को, ये अभी तक डेट कंफर्म है, मतलब इस डेट को यहां पर नीट का एग्जाम होगा। बट जिस तरीके से कहीं ना कहीं डिमांड है, लोग ट्वीट कर रहे हैं, या लोग कहीं ना कहीं इसके लिए सोशल मीडिया पे हल्ले मचाए हुए, तो यस, इससे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि ये डेट बढ़ भी सकती है। बढ़ेगी, हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन बढ़ने की चांसेस क्यों है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इन्होंने देखा हुआ है, देखिए, कैंडिडेट आर आस्किंग फॉर द पोस्टपोन ऑफ द एग्जाम ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम ऑफ द पेपर। जाहिर सी बात है, ये शॉर्टेज ऑफ द टाइम किसका है? जो CBSE बोर्ड का चल रहा है, अलग अलग बोर्ड्स के चल रहे हैं। भाई, हम 12th की तैयारी करें या हम अपने इसकी तैयारी करें, हमें दोनों के लिए टाइम चाहिए ना, तो इनका भी वैलिड पॉइंट है। और इसी तरीके से मैं कुछ, जैसे कि साहिद XD, इनका ट्वीट देख लीजिए, राइट, तो ये भी, इन्होंने भी इस तरीके से ट्वीट किए हुए हैं, पोस्टपोन नीट UG2 सितंबर, इसको आप जुलाई की जगह अगस्त सितंबर में, जिस तरीके से आपने जेईई मेन को 2 मंथ कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर दिया है, 2 मंथ, राइट, सो अब आप इसको भी एक्सटेंड करिए, ये इनकी डिमांड है। सो अब जेईई मेन्स आपको पता ही होगा जून में चला गया है। तो चलिए, इसी तरीके से बहुत सारे ट्वीट्स हैं, राइट, जस्टिस प्लीज कंडक्ट एग्जाम इन सितंबर, कोई बोल रहा है अक्टूबर में, कोई बोल रहा है यहाँ पर नवंबर में, बट एटलीस्ट अगर ये जाएगा भी तो मैक्सिमम 2 मंथ ही यहाँ पर एक्सटेंड होगा। तो अभी जो जुलाई में होने वाला है, अगस्त सितंबर के फर्स्ट वीक समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। रीज़न यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि लास्ट ईयर की काउंसलिंग अभी तक चल रही है, अप्रैल तक वो काउंसलिंग चलती रही है, राइट, यहाँ पर भले ही हम ऑल इंडिया की काउंसलिंग करें तो मार्च तक वहाँ पर खींची है, स्टेट की काउंसलिंग अप्रैल तक अभी चल रही थी, 2021 की काउंसलिंग कब तक? अप्रैल 2022 में। तो हर मैनेजमेंट चाहता है, कॉलेजेस चाहते हैं कि सेशन डिले ना हो, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें बेरी करती हैं, सिर्फ पोस्टपोन करने से ही वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक खेमे को जरूर फायदा दिख रहा होगा, लेकिन दूसरा खेमा इससे नाराज भी होगा, राइट। सो इसी के लिए वी आर क्वेश्चनिंग, और प्लीज पोस्टपोन नीट UG टिल अगस्त और सितंबर, इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर वाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो बहुत तरह की कैंपेन चल रही है, पोस्टपोन 2020, DGNTA, हेल्प नीट UG, इस तरह के हैशटैग चल रहे हैं, EDU मिनिस्टर ऑफ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। वेयर आर योर गाइस, राइट, वी आर मोर देन 16 लाख, इनका कहना ये है कि भाई जेईई के तो 11 लाख ही स्टूडेंट है, हम 17 लाख लास्ट ईयर थे, 16 लाख अभी हैं, कांट इवन रीच 1 लाख, ट्वीट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल नीट एस्पायरेंट। अच्छा, ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी सबके लिए कि भैया आप भी भर रहा खाता जमाओ, और आप भी रिक्वेस्ट करो और इसको आगे बढ़ाओ। सो इस तरह की कहीं ना कहीं जो कैंपेन चल रही है, इसका ओवरऑल मकसद यही है कि इसको पोस्टपोन कराना। बट यस, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके पास जुलाई को ही लेकर आपको चलना है। अगर पोस्टपोन भी होता है तो आपके पास 2 मंथ होंगे रिविजन करने के, राइट, 2 मंथ आपके पास रिवीजन करने के होंगे। और मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली अपनी एडवाइस दूं, तो इस एग्जामिनेशन को 1-1.5 मंथ से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 1.5 मंथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी पूरा सिस्टम यहाँ पर डिले होगा, और उससे आपको ही नुकसान होगा, आपकी ही पढ़ाई में, राइट। सो अगर ये बढ़ता भी है तो 1-1.5 मंथ से ज़्यादा इसको नहीं होना चाहिए, दैट्स माई एडवाइस। बट यस,
यही होने वाला है, अगर होगा भी तो 2 मंथ ज्यादा पोस्टपोन्ड होगा। सारी रूमर्स को इग्नोर करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए और बने रहिए स्टूडेंट खबरी के साथ, हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, जब होगा हम आपको खुद बता देंगे, राइट? कुछ पूछना है तो रोथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जाओ जाके पूछो अपना सवाल और नीचे कमेंट करो किस पे चाहते हो नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।